प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका भौतिक शास्त्र विषय का पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सभी को इसका फुल सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ए टू जेड पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा आपका, एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा। तो इसके लिए आपको यह करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी जाके आप सभी को पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र विषय का पेपर समझ में आ पाएगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ए टू जेड पूरा का पूरा पेपर आपका इसी प्रकार का परीक्षाओं में पूछा जाएगा, जैसा कि आज मैं यहां से आपको बताने वाला हूं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका भौतिक शास्त्र विषय का पेपर किस प्रकार का आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, ये पूरा का पूरा पेपर है आपका और इसमें प्रश्न नंबर एक देख सकते हो आप लोग क्या लिखा। प्रश्न नंबर एक में पृष्ठ तनाव का बीमित सूत्र है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पृष्ठ तनाव का बीमित सूत्र क्या है, AMT-2। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं इसी का, एकांक सदिश का परिमाण होता है। तो देखिएगा इसका परिमाण क्या होता है, एक होता है। उसके बाद में 7 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा कार्य। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पूरे पेपर का सोल्यूशन कंप्लीट कर लेना है। आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, पूर्णांक होगा आपका 70 अंकों का और समय दिया जाएगा 3 घंटे का और ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि इन निर्देशों को भी अच्छे से पढ़ लेना है और पूरा का पूरा समझ लेना है। तो यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग देख सकते हो। अब इसके बाद में देखिएगा, यहां से आप लोग इन प्रश्नों को देख लेंगे। ये प्रश्न मैंने आपको बता दिए, इसका उत्तर ये था। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन पढ़ना था अपन को, रॉकेट नोदन के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर ही आधारित है। उसके बाद में ई नंबर का क्वेश्चन, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो देखिएगा यांत्रिक ऊर्जा इसका राइट आंसर आ जाएगा। फाइव नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर यह निर्भर करता है। उसके बाद में 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, पृथ्वी के अति समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल क्या है। तो देखिएगा ये कक्षीय चाल है v=√gr। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को यहां तक का जो पेपर बताया है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से कंप्लीट कर लेना चाहिए, जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों मैं यहां से आपको बता चुका हूं। अब चलेगा आगे बढ़ते हैं और आपके आगे के पेपर को देखते हैं और इसके फुल सॉल्यूशन को भी देखते हैं। देखिएगा अभी तक मैंने आपको इतना पेपर बता दिया है, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और आगे के पेपर को और उसके फुल सॉल्यूशन को देखेंगे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 को देख पढ़ो समझ सकते हो। पहला प्रश्न लिखा है, द्रव्य की छोटी बूंदे के कारण गोलाकार होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, द्रव्य की छोटी बूंदे किस कारण से गोलाकार होती है, ये पृष्ठी तनाव के कारण गोलाकार होती है। उसके बाद में 12 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, बर्फ की गलन गुप्त ऊष्मा होती है, कितनी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। तो यहाँ से आप लोगों को ये नोट कर लेना है। उसके बाद में 7 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम DU=DQ-DW है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को इसको भी पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा 10 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, एक परमाणविक गैस में अणु की केवल गति होती है, कैसी गति होती है, स्थानांतरित गति होती है। तो ऐसे आप सभी लोगों को इसका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में ई नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के होता है, क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ऐसे आप सभी लोगों को इनका पूरा का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब उसके बाद में 5 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, घर्षण बल का परिणाम के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिएगा इस जगह पर आपको लिख लेना, अविलंब प्रतिक्रिया के अनुपाती होता है। उसके बाद में 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, 1 ग्राम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा जूल होती है, कितनी होती है, 9×10^13 जूल होती है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को इसका फुल सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को और उनके उत्तरों को देखते हैं और पूरा का पूरा पेपर समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जोड़ी देखने को मिलेगी, तो आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। तो देखिएगा पहले नंबर की जोड़ी का मिलान किससे होगा, ये सभी का सभी मैं बता देता हूँ। तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान तो 10 नंबर से होगा और दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान आपका ई से हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ से भी आप लोग देख लें और इधर ये जोड़ी का दे रखा ना, ये तीसरे की जोड़ी का मिलान 10 नंबर से हो जाएगा, चौथे का फा से होगा, पाँचवें का सा से होगा, छठे का बा से होगा और सातवें का आ से हो जाएगा।
तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं और इसके फुल सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को भी अच्छे से देख लेंगे और पूरा का पूरा पेपर समझ लेंगे। तो देखिएगा पहला प्रश्न पढ़ते हैं इसका। एक पिंड अचर चाल से गति कर रहा है, उसकी गति त्वरित कब होगी? तो देखिएगा जब वे वक्र अथवा वृत्ति पथ पर गति करे तब वह त्वरित होगी। उसके बाद में अगला प्रश्न, एक घन का द्रव्यमान कहाँ पर केंद्रित रहता है? तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा, उसके ज्यामिति केंद्र पर संकेंद्रित रहता है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट कर लेने चाहिए। उसके बाद में 7 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। गुरुत्वीय विभव का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो देखिएगा इसका विभव का मात्रक क्या है? तो देखिएगा इसका विभव का मात्रक है जूल बटे किलोग्राम और ये विमीय सूत्र है L2 और T-2। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सभी लोगों को इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा 10 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा कितना होता है? तो देखिएगा 1/6 गुना होता है। उसके बाद में ई नंबर को देखते हैं, एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? 3 होती है। उसके बाद में सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो देखिएगा 2 सेकंड होता है। सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल कितना होता है? ये होता है 84.6 मिनट। तो यहाँ से आप सभी लोगों को प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से इसको समझ लेना है और पूरा का पूरा देख लेना है जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं और उनको समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5, उन 3 भौतिक राशियों के नाम लिखिए जिनका विमीय सूत्र ये है। तो यहाँ से आपको ये समझ लेना है, उसके बाद में इसको देख लेना है। 6 प्रश्न को देखते हैं, एक सामान्य वृत्ति गति किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। अभिकेंद्रित त्वरण से क्या तात्पर्य है? घर्षण किसे कहते हैं? तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहां से इन प्रश्नों को देखते चलें और पूरा का पूरा पेपर समझते चलें। A to Z क्वेश्चन जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, अभिकेंद्रीय बल से क्या तात्पर्य है? इसका सूत्र लिखिए। उसके बाद में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी को परिभाषित कीजिए। वीन का विस्थापन नियम क्या है? न्यूटन का शीतलन का नियम क्या है? अवोगाड्रो का नियम क्या है? इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को इन प्रश्नों का सोल्यूशन करते चलना है। उसके बाद में 11वें का अथवा वाला प्रश्न, स्वतंत्र कोटि से आप क्या समझते हैं? लोलक वाली घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों? उसके बाद में किस स्प्रिंग में बल नियतांक से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, उसके बाद में अथवा वाला प्रश्न लिखा है, 14 वाला प्रश्न दिया गया है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को उनको समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लें आप सभी लोग, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 को देख लें, 17 को देख लें, 18 को देख लें और ये 19वां क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से मैंने आप सभी को पूरा का पूरा पेपर बता दिया। तो आप सभी लोगों को ये करना प्यारे विद्यार्थियों कि आप लोग इस पेपर का फुल सॉल्यूशन कंप्लीट कर लें और इसको अच्छे से याद भी कर लें, क्योंकि आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।